वर्ल्ड क्रिकेट के दो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन दो प्लेयर्स के बीच आईपीएल ऑलराउंडर कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर मेरे लेटेस्ट वीडियो पर जो कमेंट आया था वो चार कमेंट आया था। एक था समर सिंह का, दूसरा था वीरू देवसाई का, तीसरा था कुंदर गगुडे का और चौथा था चंदुवत चेनाई का। इन चारों ने कहा था कि भाई बेन स्टोक्स वर्सेज हार्दिक पांड्या के ऊपर आप आईपीएल ऑलराउंडर कंपैरिजन कर दो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्लेयर्स के बीच कंपैरिजन करने वाले, तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक प्लेयर का हिंट भी देने वाले, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आईपीएल के फैन हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हार्दिक पांड्या ने बेन स्टोक्स से ज्यादा मैचेस खेले हैं आईपीएल हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम नजर डालने वाले हैं हार्दिक पांड्या के आईपीएल के ऑल ओवर बैटिंग स्टैट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हार्दिक पांड्या ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में 66 मैचेस खेले हैं, जहां पर 61 इनिंग में इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 24 बार हार्दिक पांड्या नॉट आउट रहे, इनका टोटल स्कोर जो है वो 1068 रन है, वही हाईएस्ट इनका 91 है, एवरेज 28.86 का है, वही स्ट्राइक रेट जो है वो 154.78 का। यानी कि आईपीएल में अगर हार्दिक पांड्या का बैटिंग स्टैट्स देखा जाए तो एवरेज से लेकर के स्ट्राइक रेट सभी काफी कमाल का नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स के आईपीएल के ऑल ओवर बैटिंग स्टैट्स के ऊपर। तो बेन स्टोक्स ने अभी तक आईपीएल में सिर्फ 34 मैचेज ही खेले हैं, जहां पर इनको 33 इनिंग्स में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 5 बार बेन स्टोक्स नॉट आउट रहे हैं, इन्होंने टोटल 635 रन बनाए हैं, इनका हाइएस्ट जो है वो 103 है, यानी कि इनके बल्ले से एक शतक भी निकल चुका है। इनका एवरेज जो है वो 22.67 का है, वही स्ट्राइक रेट जो है वो 132 का है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में अगर इन दोनों प्लेयर्स के बैटिंग स्टैट्स का कंक्लूजन निकाला जाए तो मेरे अंदाजे से हार्दिक पांड्या का पलड़ा बेन स्टोक्स पर काफी भारी है। आप अगर एवरेज का बात कर लो या फिर स्ट्राइक रेट का बात कर लो, हार्दिक पांड्या दोनों चीज में जो है वो बेन स्टोक्स पर भारी नजर आ रहे हैं, जहां पर एवरेज 28 का है, वही स्ट्राइक रेट इनका 154 का है, 66 मैचेज खेलते हुए भी इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 154 का है। तो काफी कमाल का हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट जो है वो आईपीएल के इतिहास में अभी तक रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों प्लेयर्स के बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर, यानी कि इन दोनों प्लेयर्स में अभी तक किसने अच्छी गेंदबाजी करी है आईपीएल हिस्ट्री में। तो आपको हम सबसे पहले स्टैट्स बताएंगे हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में 66 मैचेज में 60 बार गेंदबाजी करी है, जहां पर इन्होंने टोटल 144.5 ओवर गेंदबाजी करी है, 1313 रन इन्होंने दिए हैं, 42 विकेट इनको मिला है, इनका एवरेज 31.26 का है, वही इकोनॉमी जो है वो 9.06 का है। यानी कि 66 मैच में हार्दिक पांड्या को 42 विकेट अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में मिले हैं। बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स के बारे में। तो बेन स्टोक्स ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में 34 मैचेज खेले हैं, जहां पर इन्होंने टोटल 30 इनिंग्स में गेंदबाजी करी है, 97.5 ओवर इन्होंने बॉलिंग करी है, जहां पर इन्होंने टोटल 808 रन दिए हैं, विकेट इनको 26 मिला है, इनका एवरेज जो है वो 31.07 का है, वही इकोनॉमी 8.25 का है। तो दोनों प्लेयर्स के अगर बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर नजर डाला जाए तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है हार्दिक पांड्या पर, क्योंकि इकोनॉमी इनका थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है, वही हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। एवरेज की बात करें तो दोनों प्लेयर्स का एवरेज 31 का है। तो ऐसे में दोनों प्लेयर्स के अगर बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर कंक्लूजन निकाला जाए तो बेन स्टोक्स का पलड़ा थोड़ा सा हार्दिक पांड्या पर भारी नजर आ रहा है। तो दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों प्लेयर्स के ऑल ओवर कंक्लूजन के बारे में, ऑल ओवर स्टैट्स कंक्लूजन के बारे में। तो यहां पर दोनों प्लेयर्स लगभग इक्वल है, हार्दिक पांड्या के पास थोड़ी सी बैटिंग पावर जो है वो बेन स्टोक्स से ज्यादा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को जरूर एंजॉय किया है। वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और आपको बता देते हैं नेक्स्ट जो कंपैरिजन होने वाला है उसमें जो एक प्लेयर रहने वाले हैं वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन का आप कंपैरिजन किस प्लेयर के साथ देखना चाहते हो, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दो।